वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज 12 फरवरी 2018 है और हम हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉर्नर का आर्टिकल नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स से संबंधित आर्टिकल है, महत्वपूर्ण है, हम इसे डिस्कस करेंगे। ये सेंटर का आर्टिकल मालदीव्स में जो अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इमर्ज होकर आया है उससे संबंधित है। इसके पहले हमने एक लाइव मिनट का आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि इंडिया को क्यों इंटरवीन करना चाहिए। इस आर्टिकल में हैप्पी मन जोकब कहते हैं कि इंडिया को क्यों इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो हम पुरानी बातों को रिवाइज करेंगे और नई बातों को डिस्कस करेंगे। ये नीचे का आर्टिकल नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में आने वाले चैलेंजेस के बारे में चर्चा करता है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ का आर्टिकल जो ऑफशोर डेरिवेटिव्स हैं या जो इंडिया के डेरिवेटिव्स हैं उनकी ऑफशोर ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल बांग्लादेश से संबंधित है। यूँ तो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, बट एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1971 में इंडिया के इंटरवेंशन के बाद बांग्लादेश एक नई कंट्री के रूप में इमर्ज होकर आता है, लेकिन वहाँ की सरकार बनने के 3 साल बाद ही वहाँ की मिलिट्री के द्वारा वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। 1990s के बाद जब वहाँ पर मिलिट्री रूल ख़त्म हुआ तो BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वहाँ पर सत्ता ली और उसकी जो लीडर थी खालिदा जिया वो प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद सक्सेसिव तौर पे एक के बाद एक गवर्नमेंट आती रही, लेकिन जो सेकेंड गवर्नमेंट थी 2000 के बाद BNP की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिदा जिया, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, जैसे कि करप्शन और भी कई सारे एलिगेशंस थे। बाद में जो आवामी लीग थी उन्होंने एलिगेशन लगाया कि BNP के रूल में अगर इलेक्शंस होंगे तो वो फेयर नहीं होंगे। तो मिलिट्री ने वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी और मिलिट्री के रूल में वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। आवामी लीग की जीत हुई और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी। सेकेंड टेन्योर जब आया 2014 का, सेकेंड टेन्योर में जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें BNP ने यही एलिगेशन लगाए कि इस बार का भी जो इलेक्शन होना चाहिए वो मिलिट्री की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि आवामी लीग की अगर निगरानी में इलेक्शंस होंगे तो वो फेयर नहीं होंगे। लेकिन शेख हसीना ने तब तक संविधान में परिवर्तन कर दिया था और इसके विरोध में BNP ने जब ये मांग रखी थी तो BNP के सपोर्ट में कई सारे लोग थे, वो ऐसा मानते थे कि आवामी लीग के रूल में जो इलेक्शंस होंगे हो सकता है वो फेयर ना हो, लेकिन आवामी लीग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का दावा भी किया। लेकिन काफ़ी लोग जो BNP के फेवर में थे वो बाद में BNP से कतराने लगे, क्योंकि BNP ने वायलेंस का सहारा लिया, कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद उन्होंने इस इलेक्शन से बाइकॉट कर दिया। इलेक्शन के बाइकॉट करने के बाद आवामी लीग की फिर से जीत हुई और शेख हसीना फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। अभी ये सोचने में आ रहा था, ये देखने में आ रहा था कि BNP में खालिदा जिया हो सकता है अगले टेन्योर में, जिसके इलेक्शंस जनवरी 2019 के पहले होने वाले हैं, उसमें जीत जाएं। लेकिन वहाँ की जुडिशरी ने खालिदा जिया को 5 साल की सजा सुनाई है करप्शन के चार्जेस में। अब इसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि फर्दर BNP और कमज़ोर हो जाएगी और हो सकता है कि BNP इस इलेक्शन से बाइकआउट भी करे और आवामी लीग फिर से सत्ता में आ जाए। बहुत अच्छी बात है कि BNP की जो लीडर हैं खालिदा जिया वो कंटेस्ट ना करें और आवामी लीग जीत कर आए, क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो इंडिया को फेवर करती हैं जबकि खालिदा जिया इंडिया को बहुत फेवर नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने इस बात का विरोध किया है, इंडिया चाहता है कि BNP बाइकआउट ना करे बल्कि BNP कंटेस्ट करे इलेक्शन को, क्योंकि फिर अगर केवल आवामी लीग ही कंटेस्ट कर रही है और जीत रही है तो आप इस इलेक्शन को लेजिटिमेस कैसे कहेंगे, जबकि वहाँ की अपोजिशन पार्टी उसमें पार्टिसिपेट ही ना करे। इंडिया चाहता है कि जो सरकार इंडिया को फेवर करे वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि कल को ये क्वेश्चन रेज ना हो कि आवामी लीग जब भी आती है तो गलत तरीके से इंडिया को फेवर करती है। तो अच्छा तो यही होगा कि सपोज करिए कि BNP की जो लीडर हैं खालिदा जिया, उनको सजा मिल जाती है, वो फिर से सीयू नहीं कर पाती हैं या फिर उनकी जो सजा है वो पोस्टपोन नहीं हो पाती है, तो अच्छा तो यही होगा कि BNP किसी और की लीडरशिप में इलेक्शन कंटेस्ट करे, क्योंकि उसके बाद BNP कमज़ोर हो जाएगी और हो सकता है BNP बाद में ना जीते और आवामी लीग के जो लीडर हैं शेख हसीना उनकी जीत हो जाए। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि एक वीक BNP आवामी लीग के साथ कंटेस्ट करे बजाय इसके कि BNP बाइकॉट करे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। बाकी ये नीचे के जो आर्टिकल हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है तो हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारा एथिक्स का कन्वेंशनल सेक्शन है उसमें हम आज चर्चा करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन। आप हमें पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं लाइक ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट। यह है कोर्स डायरी और यह है
टाइम मैनेजमेंट डायरी, ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए ऐसे राइटिंग के लिए देखते हैं। पैब्लो पिकासो का ये एक स्टेटमेंट है, आर्ट इज अ लाई दैट इनेबल्स अस टू रियलाइज द ट्रुथ, मतलब कला एक ऐसा झूठ होता है जो आपको सच तक पहुंचाने में मदद करता है। तो आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए है डॉक्टर टैसी थॉमस का, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहली वुमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने इंडिया के मिसाइल प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया। इवन अग्नि 4 जो मिसाइल थी ये उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। DRDO में जो इन्होंने बहुत सारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसी के लिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। पहला आर्टिकल देखते हैं, लेट द चिप्स फॉल हुएर दे मी। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़ेंगे, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। आर्टिकल में हैप्पीमन जैकब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है हम उसे होने दें, यही बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कम मोरल, लीगल या फिर पॉलिटिकल लोकस स्टैंडी है जिसके बेसिस पर वो मालदीव्स में अपने इंटरवेंशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, मतलब कि इंडिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। एक हिस्ट्री देखते हैं उसके पहले मालदीव की लोकेशन। मालदीव इंडिया के साउथ में है, उसकी लोकेशन आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12th सेंचुरी के बाद दौरान वहाँ पर इस्लाम इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद 1558 से 1573 के दौरान पुर्तगीज का ऑक्यूपेशन रहता है इस पूरे एरिया पर, जब तक कि वहाँ के लोकल्स उनको निकाल के बाहर नहीं फेंक देते। 17th सेंचुरी में जब डच श्रीलंका पर रूल कर रहे थे तो उनका कब्जा था मालदीव पे, लेकिन 1887 में जब ब्रिटेन कब्जा करता है उसके दौरान या उसके पहले श्रीलंका पर, तो उनका कब्जा मालदीव पर हो जाता है ऑटोमेटिकली। 1932 में पहली बार वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोक्लेम किया गया और जो सुल्तान रूल कर रहे थे उनकी जो पोजीशन थी उसको इलेक्टेड बनाया गया। 1953 में वहाँ पर एक जो मालदीव था उसने अपने आप को कॉमनवेल्थ के अंदर एक कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश किया और सल्तनत की पोजीशन को अबॉलिश कर दिया गया, सुल्तान की पोजीशन को अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि सुल्तान की पोजीशन फिर से रिकवर हो गई। 1965 में फुल इंडिपेंडेंस मिलती है मालदीव को, जो सुल्तान की स्थिति थी उसको ख़त्म कर दिया गया और मालदीव ने अपने आप को कॉमनवेल्थ से बाहर किया। इनफैक्ट 1965 में नहीं, 1968 में सुल्तान की पोजीशन को ख़त्म किया गया एक रेफरेंडम के जरिए। वहाँ पर इब्राहिम नसीर प्रेसिडेंट बनते हैं। 10 सालों तक इब्राहिम नसीर ने वहाँ पर शासन किया। वहाँ की मजलिस ने तीसरे टर्म के लिए भी उनको अपॉइंट किया था, लेकिन नसीर ने बोला कि अब वो सत्ता में नहीं रहना चाहते। उसके बाद गयूम को सत्ता सौंप दी गई। गयूम ने वहाँ पर 1978 से 2008 तक शासन किया। 30 सालों के उनके शासन में कई सारी दिक्कतें रहीं, जैसे कि जो वहाँ का शासन था वो फेवरेबल नहीं था, सिविल लिबर्टीज़ को फॉलो नहीं किया जाता था, वहाँ की मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता था और उनके जो रिलेटिव्स थे उनको महत्वपूर्ण जगहों पर बैठा दिया जाता था। 1982 में मालदीव्स ने फिर से कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। 1988 में एक कूप भी हुआ था जिसे अब्दुल्ला लतीफ़ी ने कंडक्ट किया था, जो वहाँ के एक बिजनेसमैन थे। हालांकि इंडिया ने उस समय गयूम की सरकार को बचाया था ऑपरेशन कैक्टस चला के। 1998 में 5वें टर्म के लिए, 2003 में 6ठे टर्म के लिए गयूम री इलेक्ट होते हैं। लेकिन 2004 के दौरान वहाँ पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। मोहम्मद नसीद इस मूवमेंट को कंडक्ट कर रहे थे। इसके बाद गयूम ने ये आश्वासन दिया कि वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे और वहाँ की पार्लियामेंट ने अनएनिमसली मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को 2005 में अपना लिया। क्योंकि 2004 में देखिए वहाँ पर सुनामी आया था और बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, कई सारे लोगों की जान गई थी और इकॉनमी को भी काफ़ी डैमेज हुआ था। अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद नसीर, उनको इवन टेररिज्म और सेडिशन के चार्जेस में बंद भी किया गया जेल में, बिकॉज वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लीड कर रहे थे। बट अल्टीमेटली 2008 में वहाँ पर इलेक्शंस हुए। ये पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे जिसमें मोहम्मद नसीद की जीत हुई। 2008 अक्टूबर में जो उनकी जीत थी उसने प्रेसिडेंट गयूम को हराया। उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए, जैसे कि स्टेट कंट्रोल मीडिया को उन्होंने फ्री किया। हालांकि उनकी कैबिनेट ने 2010 में ये एलिगेशन अपोजिशन पर लगाते हुए रिजाइन कर दिया कि वो उन्हें अच्छे से काम नहीं करने दे रहे हैं मजलिस में, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है। 2011 में एक पुलिस क्लैश हुआ जिसमें अपोजिशन के लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब इसमें कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन 2012 में जनवरी में एक क्राइसिस तब उत्पन्न हो गया जब वहाँ की जुडिशरी ने, चीफ जस्टिस ने उन सभी लोगों को रिहा कर दिया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसके खिलाफ नसीद ने चीफ जस्टिस को अरेस्ट करवा लिया। 2012 में प्रेसिडेंट नसीद को कई सारे प्रेशर में आके अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा और जो वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वाहिद हुसैन मानिक थे वो सत्ता पर आ गए, वो प्रेसिडेंट बन गए। 2012 में प्रेसिडेंट नसीद को चार्ज किया गया कि उन्होंने इलीगल तरीके से वहाँ के चीफ जस्टिस को अरेस्ट किया था। हालांकि उनके सपोर्टर्स ने री इलेक्शन की मांग की। 2013 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट राउंड के जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उनको एनल कर दिया, खारिज कर दिया। संभवतः पहले राउंड में नसीद जीत रहे थे, लेकिन सेकेंड राउंड में अब्दुल्ला यमीन, जो कि सौतेले भाई हैं प्रेसिडेंट गयूम के, जिन्होंने 30 साल तक वहाँ पर सत्ता संभाली,
वो जीत कर आ गए और उसके बाद से वही रूल कर रहे हैं अब्दुल्ला यमीन। 2015 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नसीर, उनको जेल में बंद कर दिया गया 13 सालों के लिए एलिगेशन लगाते हुए टेररिज्म के चार्जेस में। 2016 जनवरी में उन्होंने बोला कि उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन जाना है, वो ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते और ब्रिटेन ने उन्हें पॉलिटिकल रिफ्यूजी का दर्जा दे दिया। 2016 में मालदीव्स ने अपने आप को कॉमनवेल्थ से बाहर करने का फैसला किया क्योंकि ब्रिटेन उन्हें प्रेशराइज कर रहा था कि वो वहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ को इंश्योर करें। अभी का जो क्राइसिस है वो इस मुद्दे पर है क्योंकि जो वहाँ की जुडिशरी है उसने वहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने का निर्णय दिया है। अब देखिए उसमें जो 8-9 पहले के लोग जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ने के साथ साथ उन 12 पार्लियामेंटेरियंस को भी छोड़ने की बात की गई है जिन्होंने यमीन की पार्टी को छोड़कर अपोजिशन पार्टी में जाने का फैसला किया था। अब देखिए उन्हें तो जेल में बंद कर दिया गया उनकी पार्टी से हटाकर, लेकिन अगर उन्हें फिर से एमपी के तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे रीस्टोर किया जाता है तो जो उनकी सरकार है यमीन की सरकार है वो खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने जुडिशरी के उस डिसीजन को मानने से मना कर दिया और अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। 15 दिनों की इमरजेंसी यमीन के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। लाइव मिंट का आर्टिकल जो कि एडवोकेट करता था कि इंडिया को क्यों इंटरवीन करना चाहिए। पहला पॉइंट, कैसा नहीं कि इंडिया पहली बार इंटरवीन करेगा, 1988 में भी इंडिया ने इंटरवीन किया था जब हमने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि तब हमें वहाँ की गवर्नमेंट को बचाना था और आज जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो हमें कह रही हैं कि हम इंटरवीन करें, स्टिल इंटरवीन किया जा सकता है। दूसरा कि देखिए यमीन जब से सत्ता में आए हैं 2013 से तब से वो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को क्रश किया जा रहा है, जो चाइनीज़ नेवल शिप हैं वो अक्सर डॉक करते रहते हैं माले में। इसके अलावा जो एक इंडियन फॉर्म थी GMR जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था माले एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट भी GMR से ले लिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को चाइना को सौंप दिया गया। तो वो लगातार इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर इंडिया इंटरवीन करके उनको सत्ता से हटा देता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में होगा। तीसरी बात कि अगर यमीन बिना किसी अल्टरेशन के इतना सब कुछ करने के बाद भी सत्ता में बने रहते हैं तो आगे फिर से इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे और वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। चौथी बात कि देखिए इंडिया को हो सकता है कि दूर की कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देश जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ भी काम कर सकते हैं अगर हम उन्हें भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो फिर हमें रीजनल लीडरशिप लेने का कोई हक नहीं है। पाँचवीं बात कि ऐसा नहीं है कि वी आर द ओनली वन जो कि ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, चाइना लगातार ऐसा करता रहता है, USA भी ऐसा करता है। जैसे कि चाइना ने जो रॉबर्ट मुगाबे थे, डिक्टेटर थे जिम्बाब्वे के, उनके लिए इंटरवीन किया था, ठीक है। इसके अलावा वो नेपाल में भी नेपाली कांग्रेस के फेवर में इंटरवीन करते रहते हैं, तो इंडिया भी इंटरवीन कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एडवोकेट करते हैं कि इंडिया को क्यों इंटरवीन करना चाहिए। अब आइए हम इस आर्टिकल के पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो हैप्पी मन जैकब का है, जो कि कहते हैं कि इंडिया को इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए इंडिया की पास ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो माले में जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास करे या उसको रिस्टोर करे या पूरे रीजन में कहीं भी। इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है कि वहाँ कहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ नहीं है, हमें अपनी कंट्री पे फोकस करना चाहिए और यही रियलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इंडिया का कंसर्न इस बात पे नहीं होना चाहिए कि माले में सिविल लिबर्टी को कितना क्रश किया जा रहा है, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे कर्व किया जाए और उसके लिए हो सकता है कि हमें इंटरवीन ना करना हो, क्योंकि अगर हम इंटरवीन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे इन्फ्लुएंस फर्दर, हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो और भी कम हो। देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हो सकता है कि इंडिया को ऐसा कह रही हो कि हमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वहाँ इंटरवीन करना चाहिए और वो इंडिया को एक रीजनल लीडरशिप इंडिया निभाए ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अक्सर सिचुएशन को ख़राब करता है बजाय इसके कि वो उसको सुधारे। और वैसे भी जो मालदीव की सिचुएशन है वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं है नेचर में। याद करिए USA ने जब इराक में इंटरवीन किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, क्या इराक में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सका? नहीं। क्या वहाँ सिचुएशन इंप्रूव हुई? नहीं, बल्कि USA के खिलाफ जो सेंटीमेंट थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसा इंडिया के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें इंटरवीन करने से बचना चाहिए। सपोज करिए कि हमारा इंटरवेंशन सक्सेसफुल हो जाता है, हो सकता है कि सक्सेसफुल ना भी हो क्योंकि हमने जो मुंह की खाई थी श्रीलंका में वो आप सभी लोगों को याद है, लेकिन हो सकता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं तो उसके बाद क्या होगा? देखिए फैक्ट ये है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गयूम के फेवर में हैं, जो वहाँ सत्ता में हैं, और अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाएं और गयूम को सत्ता से हटा भी दें तो वहाँ का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का वो इंडिया से डिसप्लीज हो जाएगा जो कि गयूम को सपोर्ट करते हैं, और फिर वो इंडिया को ब्लेम करेंगे कि इंडिया उनकी छोटी सी कंट्री की सॉवरेनिटी को हर्ट करता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं करता। देखिए अक्सर ये एलिगेशन लगते रहते हैं कि पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे और वो आसपास की जो छोटी कंट्रीज़ हैं उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उनकी सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो वो लीगेसी इंडिया ने ले ली है।
इंडिया अब अपने छोटे पड़ोसी देशों को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जबकि वो छोटे पड़ोसी देश आज एसर्ट कर रहे हैं कि उन्हें रेस्पेक्ट मिले। पहले इंडिया अकेले इन्फ्लुएंस रखता था इस पूरे रीजन में, लेकिन आज चाइना आ चुका है और चाइना जो है वो उन्हें रेस्पेक्ट देने को तैयार है, उनकी मांगों को पूरा करने को तैयार है। इस कंडीशन में अगर इंडिया उनकी सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट नहीं करता है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करें वो तो पूरा होगा नहीं, बल्कि हमारा इन्फ्लुएंस और भी कम हो जाएगा। इस लिहाज से भी हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। पांचवी बात कि मिस्टर गयूम हो सकता है कि सत्ता खो दें अपनी, क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है, उसके बाद अगर वो अब वहाँ की सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाए तो वहाँ की जनता वहाँ वैसे ही उन्हें उठाकर बाहर फेंक देगी। लेकिन अगर इंडिया इंटरवीन कर देता है तो ये उनके लिए एक स्ट्रांग हैंड बन जाएगा और इंडिया के इंटरवेंशन का बहाना लेके वो फिर से सपोर्ट को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया का इंटरेस्ट जो कि वैसे भी फुलफिल हो जाने वाला है वो हो सकता है ना हो, इसलिए इंडिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। छठवां पॉइंट ये है कि इंडियन इंटरवेंशन एक तरीके से नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इस समय इंडिया में ऐसा माना जाता है कि हिंदू राइट विंग गवर्नमेंट है और मालदीव में इस्लामिस्ट मेजॉरिटी है। अगर इंडिया की ऐसी गवर्नमेंट वहां पर इंटरवीन करती है तो हो सकता है कि मालदीव इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ अपना झुकाव बढ़ा ले, लाइक पाकिस्तान और भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी तरफ, और इंडिया के इंटरेस्ट फिर हर्ट होंगे। सातवीं बात, इट मे कॉम्प्लिकेट लाइफ ऑफ ओवर 25,000 इंडियन एक्सपर्टाइट, मतलब वहां पर 25,000 से ज्यादा इंडियन लोग रहते हैं, उनके इंटरेस्ट भी खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये सात ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में हैं, जो ऐसा एडवोकेट करते हैं कि इंडिया को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, मालदीव्स इज इन मिड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, डू यू थिंक इंडिया शुड इंटरव्यू? क्रिटिकली एनालाइज करिए, आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगला आर्टिकल, हार्डली अ गेम चेंजर, पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए हेल्थ वाले सेक्शन से। आर्टिकल कहता है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बहुत बेहतर काम नहीं कर पाएगी, इसके कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, ये सेकेंड फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष्मान भारत के अंतर्गत, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें 10 करोड़ गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को 5 लाख पर एनम तक का सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का इंश्योरेंस दिया जाएगा। देखिए, ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम बन जाएगा। यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि प्रोग्राम को अच्छे से एडवोकेट किया जाए, अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए ताकि इंडिया में हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सके। इससे कई लाख जॉब भी क्रिएट होंगी, पार्टिकुलरली वुमेन के लिए। 24 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे, हॉस्पिटल सेटअप किए जाएंगे, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज 3 पार्लियामेंट्रीज के बीच में तो ज़रूर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में। तो ये महत्वपूर्ण बातें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। अब आइए चर्चा करते हैं कि इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है जो आर्टिकल में दी गई है। पहली समस्या ये है कि देखिए, एक एस्टिमेट हमें ये बताता है कि जो रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो उन लोगों का ज़्यादा है जिनको इंश्योरेंस कवर मिला होता है, कंपैरिजन टू दोज जिन्हें नहीं मिला होता, मतलब जिनके पास इंश्योरेंस कवर नहीं है गवर्नमेंट का वो कम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और जिनके पास इंश्योरेंस कवर है वो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जाते हैं। अब ये सामान्य सी बात है, उन्हें पैसे की टेंशन नहीं होती तो वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब इतनी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत इतना सारा पैसा हेल्थ सेक्टर में दे रही है, उसके बाद क्या होगा? मतलब कि और भी लोग हॉस्पिटल्स में अब जाएंगे, जैसा कि पहले के रिकॉर्ड से क्लियर है, इससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। पहली बात, अगर इतने ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में जाना शुरू करेंगे तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रा है कि हम उन्हें अकोमोडेट कर सकें? मतलब गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस कवर होता है वो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। मतलब जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइवेट हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ेगी तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो लोग अपनी कॉस्ट अपने आप ही बढ़ा देते हैं। इससे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जो रीइंबर्समेंट है मेडिकल कॉस्ट का, उसका परसेंटेज भी काफ़ी कम है, मतलब उतना पैसा दिया नहीं जाता जितना प्रॉमिस किया जाता है। तीसरी बात, एक चीज़ और देखने को मिलती है, अगर कोई एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति किसी इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली इंश्योरेंस खरीदता है तो उसका जो इंबर्समेंट होता है वो ज़्यादा होता है और आसानी से हो जाता है, ज़्यादा पेपर वर्क वो लोग नहीं करवाते और आसानी से वो पैसा दे देते हैं। जबकि अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपना इंश्योरेंस का पैसा लेना होता है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये कई तरीके के बहाने बनाती हैं और पैसे देने से बचती हैं। तो ये एक तीसरी समस्या है। चौथी समस्या ये है कि इस प्रोग्राम में केवल हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट का कॉस्ट ही कवर किया गया है,
जबकि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारा खर्चा आता है किसी भी व्यक्ति के ट्रीटमेंट में, और वो इस प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है। पांचवी बात कि अननेसेसरी हॉस्पिटल स्टे, ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको भी पता होता है कि जिस व्यक्ति का मैं इलाज कर रहा हूँ इसका पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, तो वो आवश्यकता से अधिक समय तक उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में रखते हैं। अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, सर्जरीज की जाती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, ताकि वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा वसूल सकें। तो ये भी नुकसान है, अगर इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन ना लाए जाएँ तो इसका काफ़ी मिसयूज़ हो सकता है। तो ये पांच महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। कंक्लूजन में यही है, देखिए काफ़ी सीरियस होना होगा स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को, अगर वो चाहते हैं कि बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएँ। इसके लिए हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म की आवश्यकता है, हमें अपने इंफ्रा को भी स्ट्रेंथन करना होगा, और जो बजटरी एलोकेशन है सेंट्रल और स्टेट का वो भी सब्सटेंशियल होना चाहिए, तभी हम इस समस्या का निदान कर पाएंगे। तो ये कंक्लूजन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गलत लिख गई है, ओ डी हो गया है, आप इसे ओ एफ कर दीजिए, बिकॉज कीबोर्ड में डी और एफ एक ही जगह होते हैं, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, अच्छी बात है, जहाँ पर 10 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को कवर किया जाएगा। इसके क्या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं इंप्लीमेंटेशन में, वो आपको बताना है। चैलेंजेस मैंने आर्टिकल में वैसे भी डिस्कस कर दिए हैं, तो आप बता सकते हो 150 शब्दों में। अगला आर्टिकल है टफ वॉर, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से। आर्टिकल कहता है कि हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहिए। अब ये माजरा क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड SGX ने जो निफ्टी है उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को अलाउ कर दिया 5 फरवरी को, जिसके बाद काफ़ी कंसर्न्स रेज होने लगे इंडिया में। अब इस माजरे को थोड़ा और क्लियर करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए इंडिया में निफ्टी है जो कि 50 जो बड़ी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को क्लियर करता है कि किसका क्या प्राइस है और कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसका पूरा जो सिस्टम है वो निफ्टी के अंतर्गत हम रेगुलेट करते हैं। अब देखिए निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको सिंगापुर में भी खरीदा जा सकता है सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए, जो कि लेजिटिमेट है निफ्टी के शेयर्स को बेचने के लिए, इक्विटीज को बेचने के लिए। एक व्यक्ति जो इंडिया में है वो निफ्टी के शेयर्स को खरीद सकता है, लेकिन बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी निफ्टी के शेयर्स को खरीद सकते हैं लेकिन उन्हें अपने आप को इंडिया के मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को इंडिया के मार्केट में रजिस्टर नहीं कर पाते या वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो निफ्टी के शेयर्स को SGX से भी खरीद सकते हैं, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड से भी खरीद सकते हैं, जहां उनके लिए उसे एक्सेस करना आसान होता है। अब वैसे भी इंडिया को काफी कंसर्न हो रहा था क्योंकि जो इंडिया में निफ्टी में इन्वेस्टमेंट है वो SGX से ज्यादा हो रहा है। उस कंडीशन में अगर सिंगापुर ने जो फ्यूचर्स हैं उनकी सेल्स को भी अलाउ कर दिया SGX में, तो ये इंडिया के लिए कंसर्निंग हो जाएगा। फ्यूचर्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए सपोज करिए कि ये रामू नाम का एक व्यक्ति है जो कि फार्मर है, अगले साल इसकी बेटी की शादी है, इसके पास 10 गाय हैं और ये अपनी गाय को बेचना चाहता है अगले साल ताकि इसको अच्छा पैसा मिल जाए, लेकिन इसे ये भय सता रहा है कि एक साल के दौरान अगर गायों में जो एक बीमारी आती है गोखुर नाम की, अगर वो बीमारी आ गई तो गाय के जो प्राइस हैं वो गिर जाएंगे। उसे उम्मीद है कि अगर वो अगले साल गाय बेचेगा तो उसे एक गाय के 100 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर बीमारी आई तो गाय का जो प्राइस है वो 30 रुपए से भी कम हो जाएगा। वहां पर एक दूसरा व्यापारी है जिसे उम्मीद है कि अगले साल जो दूध की डिमांड बढ़ेगी तो गाय की जो कीमत है वो 200 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी, तो वो रामू का अप्रोच करता है और वो कहता है कि आइए हम एक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगले साल आप मुझे 100 रुपए में ये गाय बेच देंगे, ये ऑब्लिगेटरी होगा कि आपको बेचना ही पड़ेगा। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रामू अब अश्योर है कि बीमारी अगर आई भी तब भी उसको उसकी गाय के एक गाय के दाम कम से कम 100 रुपए तो मिल ही जाएंगे। यहां पर ये जो इन्वेस्टर है वो भी अश्योर्ड है कि अगर गाय के दाम बढ़े भी तो उसे 100 रुपए में तो गाय मिल ही जाएगी। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अभी ना तो गाय बिकी है और ना ही पैसा मिला है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया गया है कि रामू अगले साल 100 रुपए में गाय बेचेगा और इस ट्रेडर ने यह क्लियर किया है कि वो 100 रुपए में इस गाय को खरीदेगा। तो यह होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब आप बाद के समय के लिए ट्रेडिंग कर लेते हैं। अगर बाद के समय की ट्रेडिंग के लिए भी सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड में जो शेयर्स हैं निफ्टी के वो बिकने लगे, तो इससे जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगापुर से इंडिया में ज्यादा होने लगेगा बजाय इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो इससे इंडिया को कंसर्न्स है। आर्टिकल इस चीज को क्रिटिसाइज करता है, इंडिया कहता है कि जो आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया कंपीट नहीं करना चाहता ग्लोबल लेवल पे, इसीलिए फ्राइडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने
इसके साथ ही साथ जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज था उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अब एसजीएक्स को जो डेटा प्रोवाइड करवाते थे निफ्टी का, वो डेटा प्रोवाइड करवाना बंद कर देंगे। अब देखिए, हमें डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ता है निफ्टी को, क्योंकि वो लेजिटिमेट हैं निफ्टी के शेयर्स को बेचने के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा एक एग्रीमेंट है सिंगापुर के साथ, जैसे कि और कंट्रीज के साथ भी है। अब रीजन जब पूछा गया तो रीजन में उन्होंने ये बताया कि जो लिक्विडिटी है इंडिया की वो माइग्रेट कर रही है सिंगापुर की तरफ से, और इससे जो इंडिया का मार्केट है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, इससे दिक्कत हो जाएगी, और जो हमारे डोमेस्टिक बायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिंगापुर से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए सिंगापुर जो है वो एक टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ पर टैक्स बहुत कम लगता है, तो अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे फ़ायदा होता है कंपेरिजन टू अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो। इसके अलावा देखिए गुजरात जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहाँ पर वैसे भी कई तरीके के फायदे दिए गए हैं, जैसे वहाँ पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता और वो डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर फ्यूचर ट्रेडिंग भी शुरू हो गई तब तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए आखिर क्या कारण है कि लोग SGX से या जो SGX निफ्टी है जो कि एक तरीके का डेरिवेटिव है उससे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। देखिए कई सारे कारण हैं, जैसे कि इंडिया में जो निफ्टी का टाइम है, जो यहाँ पर मार्केट ओपन रहता है वो केवल 6 घंटे के लिए ओपन रहता है, 6.5 घंटे के लिए, ठीक है, जबकि सिंगापुर में जो मार्केट ओपन रहता है वो 16 घंटे के लिए ओपन रहता है। अब देखिए आपको पता होगा कि कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो वो शेयर्स के मार्केट को फ्लक्चुएट करवाता है, जैसे कि अभी बजट में जैसे ही अनाउंस किया गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो जो शेयर्स थे चाहे वो सेंसेक्स था या फिर निफ्टी था वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया, क्योंकि लोगों को लगा कि नुकसान होगा। ट्रंप चुनकर आए तब भी जो सेंसेक्स था वो नीचे गिर गया, निफ्टी नीचे गिर गई, मुंबई में फ्लड आया तब भी सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गिर गए, मतलब कोई भी इवेंट हो ये फ्लक्चुएट हो जाते हैं। अब देखिए अगर कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो उसके बारे में कोई एक्शन यहाँ के इन्वेस्टर्स नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है वो केवल 6.5 घंटे के लिए ओपन है, लेकिन जो लोग सिंगापुर से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए मार्केट 16 घंटे ओपन है, तो वो वहाँ पर उस फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा लेते हैं और हमारे मार्केट को स्पेकुलेट करने का प्रयास करते हैं, उसे रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं, ये समस्या है। इस वजह से जो वहाँ इन्वेस्टर्स हैं वो सिंगापुर से इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात कि देखिए वहाँ पर टैक्स भी बहुत कम लगता है, इंडिया में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, इसलिए लोग वहाँ से इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरी बात कि देखिए वहाँ से वो डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है उसका खतरा उनके लिए कम हो जाता है, जबकि इंडिया के इन्वेस्टर्स रुपी में इन्वेस्ट करते हैं, अब हाल के दिनों में जो रुपी की वैल्यू है वो भी डेप्रिसिएट कर रही है, तो इससे यहाँ के इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन सिंगापुर में जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट किया है उन्हें नुकसान नहीं होगा, ठीक है, तो इस वजह से भी लोग वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। चौथी बात कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वो यहाँ में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें और डिस्करेज करता है, जिसका फ़ायदा उन्हें सिंगापुर में मिल जाता है। इंडिया ने हालांकि प्रपोज किया था कि हम भी यहाँ ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा दें, लेकिन हम वैसा कर नहीं पाए, तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग सिंगापुर में जाके इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारा मार्केट खतरे में पड़ सकता है। हालांकि आर्टिकल कहता है देखिए अगर ऐसा है तो ये आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आपके यहाँ टैक्सेशन का सिस्टम खराब है, आपके यहाँ जो ट्रेडिंग आवर्स हैं वो कम है, तो आप अपने स्ट्रक्चरल सिस्टम को सही करिए, बजाय इसके कि आप उनके साथ अपने एग्रीमेंट को ख़त्म करें और उनकी जो ट्रेडिंग है उसको एनल करें या फिर उनको डेटा प्रोवाइड करने से मना करें। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल स्टेट्स ऑफ हेल्थ, नीति आयोग ने अपना हेल्थ इंडेक्स जारी किया जिसमें कई सारे स्टेट्स को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड करी गई। देखिए केरला को पहली रैंकिंग मिली और हिमाचल प्रदेश को 5वीं, केरला के बाद पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात को रैंक मिली। जो सबसे खराब परफॉर्म किया गया वो किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, फिर राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए 3 कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश को सबसे खराब रैंकिंग में 21 नंबर पर दिखाया गया है, जबकि स्टेट्स तो 29 है, तो 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में 1 से 21 रखा गया है जिसमें बड़े स्टेट्स हैं, उसके बाद 8 छोटे स्टेट्स हैं और फिर जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनकी रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो ये बड़े स्टेट्स की रैंकिंग दी गई है कि केरला पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पर। देखिए जो स्टेट्स हैं वो कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लिटरेसी में, न्यूट्रिशन में और प्राइमरी हेल्थ केयर में, उसके बेसिस पे जो नीति आयोग है वो अपना हेल्थ इंडेक्स प्रोवाइड करवाता है, उसमें केरला को हाई रैंकिंग मिली, उस पर हमने चर्चा कर ली। देखिए यहाँ पर जो हेल्थ है उसे बहुत बड़ा इशू माना नहीं जाता स्टेट्स में, इसलिए दिक्कत होती है। हेल्थ कभी भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू होता नहीं है और लोग हेल्थ को इलेक्टोरल रिजल्ट के तौर पे, या जो हेल्थ का सेक्टर है वो इलेक्टोरल रिजल्ट को इन्फ्लुएंस भी नहीं करता, इसलिए इस पर फोकस नहीं किया जाता।
इंडेक्स की यूं तो लिमिटेशंस हैं, जैसे कि डेटा थोड़ा अनइवन है, अवेलेबिलिटी कम है, स्टिल इसके कई सारे फायदे होंगे, जैसे कि उड़ीसा जिसको काफ़ी खराब रैंकिंग मिली है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में, जहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से 1000 में से 35 बच्चे एक साल के भीतर मर जाते हैं, उसकी रैंकिंग उड़ीसा की बहुत खराब है। तो इस इंडेक्स के बाद हो सकता है कि वो इनकरेज हो कि वो इसमें सुधार करे। इसके अलावा 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी जो मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5 की वो 35 से भी ज़्यादा है, मतलब 1000 में से 35 से ज़्यादा बच्चे 5 साल के भीतर मर जाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा थ्रस्ट मिलेगा कि वो इस फील्ड में काम करें इस इंडेक्स के आने के बाद। देखिए, इंडेक्स बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए बहुत कम एज छोड़ता है कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एक्सटर्नल लेवल पे, लेकिन इंटरनल लेवल पे जो उनका इंट्रा स्टेट इनइक्विलिटी है वो उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनइक्विलिटी ज़्यादा है वो वहाँ पर काम करें जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। तो ये इंडेक्स के ये फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को रिवील किया गया, लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कैसी हैं, सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग ट्यूबरकुलोसिस की हो रही है नहीं हो रही है, एचआईवी एड्स के जो ड्रग्स हैं वो कितने एक्सेसिबल हैं, इम्यूनाइजेशन लेवल कितना है, लोगों को कितना खर्चा करना पड़ता है। दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट को का जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव किया जाए और डेटा क्वालिटी को बढ़ाया जाए। तो ये पूरा हमने नीति आयोग के इंडेक्स के बारे में बात की। कंक्लूजन ये कहता है कि सेंट्रल स्टेट दोनों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा हेल्थ में अपने बजट के परसेंटेज के तौर पे, ठीक है। अगर ऐसा किया जाता है तो जो हेल्थ है वो नीति आयोग के इंडेक्स के बाद मेन स्ट्रीम में आ जाएगी और लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। हालांकि जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आई है उसने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क को कम तो किया है, लेकिन फिर भी हमें और काम करने की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आप इन टर्मोलॉजीज को एक्सप्लेन करिए, सभी कुछ आप जान चुके हैं, इंटीग्रिटी क्या है, प्रिजर्वरेंस क्या है, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट और करेज ऑफ कन्विक्शन, आप इन सब चीज़ों को डिफाइन करिए, ठीक है। ये 2013 का जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की यूटिलिटीज और एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, ये देखा गया कि कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, कॉन्सेप्चुअली ब्रिलियंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सेल भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सोशल रिलेशनशिप है वो उसको बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। कई बार वो लोगों को रिस्पॉन्स करने में रूथलेस होते हैं, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें रिस्पॉन्स कैसे करना है। वो सामने वाले की फीलिंग्स को या तो बहुत कम समझते हैं या नहीं समझते हैं। साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली वो बहुत ही अनकोऑपरेटिव होते हैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में या अपनी सोशल पर्सनल लाइफ को रेगुलेट करने में। इसका कारण होता है कि वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखिए, बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो सामने वाले को बेहतर तरीके से समझता है और उसको सुनता भी है। कुछ लोग तो सुनने को ही तैयार नहीं होते। जिनके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो लोगों की बातों को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं और उसकी इंटेंसिटी को भी जज कर लेते हैं। साथ ही साथ वो दूसरों की फीलिंग से अपने आप को इन्फ्लुएंस भी नहीं होने देते। वो जानते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे रोकना है और कितना चेक करना है। उन्हें यह भी पता होता है कि उनके इमोशंस का सामने वाले व्यक्ति पर फर्क क्या पड़ेगा, जिसका ज्यादातर लोग केयर नहीं करते। उन्हें यह भी पता होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी वीकनेस को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग और लोगों के इमोशंस को समझते हैं, इसके साथ ही साथ वो मोरली काम करते हैं, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करते हैं। तो अगर आपके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, आप एक बेहतर मैनेजर हो सकते हैं, आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। देखिए, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और अगर वो आपके पास हैं तो आप एक बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला बेसिक कंपोनेंट है कि आप अपने बारे में जानते रहें। अगर आप अपने बारे में जानते हैं मतलब अपनी वीकनेस को जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन। जब आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। आप सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी होने वाली कंडीशंस को अपने आप में ढाल पाते हैं, लोगों को समझ पाते हैं, अपने बारे में समझ पाते हैं, और इस हिसाब से आप अपने सोशल इन्वायरमेंट को भी ढाल लेते हैं। मोटिवेशन तीसरा कंपोनेंट है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होता है।
वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने काम को डेडिकेशन के साथ करना है, लंबे समय तक उसका रिजल्ट लेना है। जबकि उन्हें हो सकता है कुछ समय के लिए डिजायर्ड रिजल्ट ना भी मिले, फिर भी वो मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। चौथी बात, इम्पैथी। जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होता है उनके पास इम्पैथी भी होती है, वो लोगों के दुख को अपने जैसा समझते हैं और इस तरीके से वो बेहतर लीडर बन पाते हैं। वो अपने ग्रुप के लोगों के द्वारा किए गए काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको अप्रेस करते हैं ताकि वो और बेहतर काम कर सकें। तो वो एम्पैथी की वैल्यू को इनकल्केट करके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बना पाते हैं। पांचवी बात, सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब आप लोगों से अटैच कैसे होते हैं। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप लोगों की फीलिंग को समझ पाते हैं, वैसे बिहेव कर पाते हैं और अपने आप को सोसाइटी में जोड़ पाते हैं। तो ये पांच इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट हैं जो कि आपको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर मैनेजर बनाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ फायदे होते हैं किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। वो फायदे क्या होते हैं? पहला फायदा कि आप अलग अलग सिचुएशन में बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। दूसरा फायदा कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है वो भी पॉजिटिव बनी रहती है। तीसरा फायदा कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है कंपैरिजन टू दोज पीपल जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। चौथी बात कि आपकी लीडरशिप एफिशिएंसी बेहतर होती है क्योंकि आपके पास एम्पैथी होती है। पांच कंपोनेंट उसके याद रखिएगा, कंपोनेंट आप भूलिएगा मत। देखिए, ये पांच कंपोनेंट हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आए तो ये पांचों कंपोनेंट आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर देने चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, जो चौथा पॉइंट है, लीडरशिप एफिशिएंसी आपके अंदर होती है, वो हमने बात की। पांचवी बात कि आप इनोवेटिव होते हैं और आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी होती है वो भी औरों से बेहतर होती है। तो ये ईआई के बेनिफिट हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अब देखिए, ईआई वाला टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक से जो फिलोसोफर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद केवल दो ही टॉपिक बचेंगे और हमारा एथिक्स का सेक्शन खत्म हो जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो काफी छोटा टॉपिक है, तो वो भी आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इंटरव्यू के सेक्शन में कि इंटरव्यू गाइडेंस में आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि सक्सेस कम्स नॉट सो मच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एज बाय एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब सक्सेस उतना उस तरीके से नहीं मिलती जितना कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बल्कि उससे ज्यादा मिलती है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप उसको एक्सप्लॉइट करें। क्या आप इस सेंटेंस से या स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहां पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।